जिला सोलन के कंडाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत तुंदल के गांव रूढ़ा स्थान पर बने श्री रामलोक मंदिर के संस्थापक बाबा अमरदेव और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने की। महापंचायत में स्थानीय पंचायत के प्रधान सहित ग्रामीणों ने उपायुक्त से मांग करते हुए कहा कि बाबा को अब इस गाँव में नहीं आने दिया जाएगा। लोगों ने श्री रामलोक मंदिर को सरकार के अधीन लेने की मांग भी की है। साथ ही यह भी कहा कि यदि बाबा मंदिर से सभी मूर्तियों को ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में बाबा को अब नहीं आने दिया जाएगा। लोगों द्वारा बाबा अमरदेव की शिक्षा दीक्षा को लेकर कहां के रहने वाले हैं और कई अन्य प्रश्न भी महापंचायत में उठाए गए। जिन मंदिर को बनाने के लिए लोगों ने उसको यहाँ पर संरक्षण दिया, उसकी सहायता की, जिस समय यहाँ कुछ नहीं होता था, जो लोग उसके साथ खड़े हुए, उन लोगों को आज राम के लुटेरे बताकर ये जो भावना पैदा कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग मंदिर के खिलाफ नहीं है, इस मंदिर के ऊपर आंच आने नहीं देंगे, लेकिन एक बात ये भी है कि बाबा को भी नहीं आने देंगे। लोगों को 6 महीने से ठगता रहा कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, नंगा रहूंगा, पत्ते पर सोऊंगा, और जब यात्रा पे गया तो गोवा, वो भी अपनी मैडम के साथ। कौन सा तीर्थ स्थान है गोवा? गोवा गया, वहां पर घूम के रेस्टोरेंट में रहा, मैगी खाने वाला बाबा, कोका कोले पीने वाला बाबा, ये बाबा लोगों की अगर परिभाषा है तो आने वाले समय में लोग बाबाओं के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। बाबा द्वारा यहाँ पर जो महिला पर तेज हथियार से जो वार किया गया था उसके विरोध में, और जो प्रशासन द्वारा यहाँ के लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए गए उसके विरोध में आइए आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें डिसीजन हमारा ये है कि एक तो जो बाबा है वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि जब से ये बाबा आए यहाँ पर कुछ ना कुछ घटता रहा है, जिससे लोगों में भारी रोष है। जो लोगों पर झूठे मुकदमे बने हैं, बाबा पे कोई अभी तक कोई मुकदमा नहीं बना, जिसने तेज धार से महिला पर वार किया उस पर तो कोई मुकदमा नहीं बना, और यहाँ पे जो झूठे लोगों को प्लानिंग के आधारित जो लोगों को फंसाया गया है, हम उसके विरोध में है। हमें इनकी भाषा से, जो इनका भाषा जो प्रयोग करते हैं, हमें नहीं लगता ये बाबा है, ये संत है, ये ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। जिस तरीके की भाषा शैली का ये प्रयोग करते हैं, नहीं, हम चाहते हैं, हम राम भगत हैं, यहाँ पे मंदिर रहे, सरकार अपने अधीन ले, और ये यहाँ की कमेटी मंदिर को चलाए। बिल्कुल हम राम के विरोधी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे मंदिर भव्य से भव्य मंदिर बने। महापंचायत में रखी गई सभी लोगों द्वारा विभिन्न मांगों को उपायुक्त राकेश कंवर ने सुना। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत की एक फाइल रिपोर्ट बनाकर प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी। उपायुक्त ने ग्रामीणों से संयम बरतते हुए कानून को अपने हाथ में न लेने की राय दी और समस्या का हल बातचीत और विचार विमर्श से निकाले जाने का आश्वासन दिया। पिछले कुछ दिनों से रामलोक मंदिर का जो ये यहाँ पर विवाद चला हुआ है, उसको लेके स्थानीय पंचायतों ने और आसपास के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और लोग हैं, उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया था आज। उस बैठक में लोगों से बातचीत के लिए और लोगों के विचार जानने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और लोगों ने स्पष्ट रूप से में 2-3 चीज़ें कही हैं। पहला तो उनका विचार ये है कि जो अमरदेव करके जो बाबा है, जो इस मंदिर का निर्माण जो कर रहे हैं, वो यहाँ पर ना आए, और स्थानीय लोग ये चाहते हैं कि जो ये स्थान है इसके बारे में सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाए कि किस तरह से इसका प्रबंधन किया जा सकता है। तो जो भी लोगों के विचार हैं वो उन्होंने बता दिए हैं, उनके आधार पर मैं अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दूंगा। महापंचायत में स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों और सैकड़ों ग्रामीणों सहित आसपास के करीब 22 पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी सदस्यों ने भाग लिया। इसके अलावा कई राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों ने भी महापंचायत में शिरकत की। महापंचायत में 22 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों द्वारा इस संदर्भ में ग्रामीण संघर्ष समिति का भी गठन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने श्री रामलोक मंदिर परिसर का भी जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन।